जय मां काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस में आप लोग की SI ASI की रिक्रूटमेंट आई हुई है। 900 प्लस आप लोग की वैकेंसी, जिसके की ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। 28 जनवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई नहीं किया फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और इसके बाद जो आप लोग का रिटन एग्जाम, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला। जितने अच्छे नंबर आप लोग के रिटन एग्जाम होंगे, उतने ज्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस होने वाले। तो आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस SI ASI में यदि आप लोग ने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। जी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यूपी पुलिस SI ASI की वैकेंसी यहां पे आई हुई है। जी SI गोपनीय की वैकेंसी है, ASI कलर की वैकेंसी है, ASI अकाउंट्स की आप लोग की वैकेंसी है। इसके अलावा यूपी पुलिस में SI सिविल की भी आप लोग की वैकेंसी होती है। तो इन दो रिक्रूटमेंट में सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या सर SI गोपनीय, ASI क्लर्क, ASI अकाउंट का सिलेबस और जो आने वाली वैकेंसी SI सिविल की जो 3000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, सर क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है? सर कंफ्यूजन बनी हुई है। हम उसी सिलेबस के उसी पैटर्न पे जो मींस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक वीडियो बनाई। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया SI ASI या फिर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं SI के लिए, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है। अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया, GK रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया। तो अब बात करते हैं सर, जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है SI गोपनीय की और अकाउंट्स और क्लर्क ASI की वैकेंसी है, और जो आने वाली वैकेंसी है SI सिविल की, क्या दोनों का सिलेबस सेम है? जी नहीं, दोनों का सिलेबस सेम नहीं है, लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, जो आप लोग की SI सिविल की वैकेंसी आने वाली है उसका पैटर्न अलग है। उसमें आप लोग का हिंदी आती है, GK आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, ठीक है। वो चारों पार्ट आप लोग के यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 40-40 क्वेश्चन होते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 160 क्वेश्चन आप लोग के होते हैं, 400 मार्क्स के आप लोग के क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का आप लोग को यहाँ पे समय मिलता है। और इसके अलावा जो आप लोग का इसमें आता है, GK के साथ साथ मूल विधि और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलते। तो इसका पैटर्न अलग है, कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन आप ही जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं SI गोपनीय की, ASI कलर की और ASI अकाउंट की। तो देखिए, इसमें आप लोग के 4 पार्ट ही होते हैं। हिंदी आप लोग की आती है, हिंदी के साथ साथ आप लोग की कंप्यूटर आती है, इसके अलावा रीजनिंग आप लोग की आती है, मैथ आती है, मैथ के साथ साथ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग का GK, जी हाँ, GK में आप लोग की करंट वगैरह आती है, यानी कि GK हिंदी, जी हाँ, GK हिंदी, रीजनिंग, मैथ और मेंटल एबिलिटी। और हिंदी में आप लोग का जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आप लोग के, और 100-100 नंबर का सभी पार्ट होता है, यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आप लोग के, 400 मार्क्स के होते हैं, और 2.5 घंटे का आप लोग का पेपर यहाँ पे होता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आप लोग को सिलेबस की जानकारी देता हूँ। तो यही है आप लोग का SI गोपनीय और इसके प्रकार से ASI अकाउंट और ASI कलर का जो सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप लोग को दे दिया गया। जी हाँ, इसमें हिंदी प्लस कंप्यूटर आप लोग की 100 नंबर की, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आप लोग के आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाले। इसी प्रकार से सामान्य जानकारी के साथ साथ सामान्य विषय के, ठीक है, इसमें आप लोग के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर के, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आप लोग के होंगे, और इसी प्रकार से आप लोग की रीजनिंग आने वाली है 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो 200 क्वेश्चन आप लोग के 400 मार्क्स के हो गए हैं, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया है। इसमें आप लोग को नीचे आना है। जी हाँ, सबसे पहला पार्ट आप लोग का हिंदी और कंप्यूटर का, हिंदी और कंप्यूटर दोनों ही इसमें आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में आप लोग को यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आप लोग को होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विमानार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार,
अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, ये सारी चीजें आप लोग की हिंदी में आने वाली है। जी हिंदी आने वाली है, और हिंदी के साथ साथ आप लोग का नीचे जो है यहाँ पे कंप्यूटर, जी हाँ कंप्यूटर भी आप लोग का यहाँ पे आने वाला है। तो टोटल आप लोग का ये 50 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। तो कंप्यूटर में आप लोग के बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का की उत्पत्ति कब हुई थी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस उसमें हुए, इसके अलावा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वगैरह, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडोज, ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर एब्रिवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, जी हाँ बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इसके अलावा शॉर्टकट की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन के भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, ये बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड उसकी फंक्शनलिटीज, इसके अलावा नेटवर्किंग की जानकारी, www वेब ब्राउजर, इसके अलावा आप लोग का आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, ये सारा कुछ आप लोग का कंप्यूटर में। तो हिंदी और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आप लोग के 100 मार्क्स के यहाँ पे आने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को जो है यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग, ई कॉमर्स वगैरह भी आप लोग को पता होनी चाहिए कंप्यूटर में। चलिए, इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है आप लोग का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आप लोग की यहाँ पे आने वाली है। जी हाँ, तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप लोग का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकी, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध वगैरह आप लोग का जनरल अवेयरनेस के अंदर आ गया। इसके अलावा करंट अफेयर जो आप लोग का डेली करंट अफेयर है, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम वगैरह, रेल बजट वगैरह जो आप लोग का आता है, ठीक है, सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता, ओलंपिक, वस्तुएं सेवाकर, पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक एवं उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग का तीसरा पार्ट है, ये भी आप लोग का 50 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं 100 नंबर के, जिसमें कि आप लोग की मैथ और मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चन आने वाले। जी मैथ आप लोग की आएगी इसमें और साथ में मेंटल एबिलिटी, आप लोग इसे रीजनिंग बोल सकते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम वगैरह आप लोग की आएगी, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, और इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग का आने वाला, परसेंटेज आने वाली, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटिंग एंड एनालिटिक फंक्शन वगैरह, और मिसलेनियस, ये सारा कुछ मैथ में, मैथ के साथ साथ आप लोग का जो है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जिसमें कि लॉजिकल डायग्राम आप लोग को दिया होगा, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटर्नशिप, ठीक है, इसके अलावा प्रिपरेशन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है, इसके अलावा कॉमन सेंस टेस्ट, इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट वगैरह, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फंक्शनल एरोमेटिक डिटरमिनेशन, इम्प्रिंट मीनिंग वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग का मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैथ के साथ साथ आने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इसके बाद आप लोग का फोर्थ है, ये भी आप लोग का 50 क्वेश्चन 100 नंबर का आने वाला है। तो ये पूरा पूरा आप लोग इसे रीजनिंग बोल सकते हैं, दिया है इसमें आप लोग का मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग वगैरह सब कुछ आने वाला है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग को बताया गया है माइंड से रिलेटेड देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर एप्टीट्यूड, वर्ड फॉलोइंग कॉमन, इसके अलावा हार्मनी वगैरह, ठीक है, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एबिलिटी, ठीक है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा पुलिस सिस्टम, कंपिटरी पुलिस इशू, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, इंटरेस्ट और प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, ठीक है, इसके अलावा सेंसिटिव वर्ड, माइनर एवरेट, जेंडर सेंसिटिव, इसके अलावा आप लोग का जो है बुद्धि परीक्षा यानी कि आईक्यू टेस्ट वगैरह, इसमें रिलेशनशिप एनालॉजी सीरीज वगैरह होगी, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्टिंग आउट ऑफ डिसिप्लिनर और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस, अल्फाबेट अल्फाबेट, ठीक है, इसके अलावा टाइम सिक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम वगैरह, चार्ट वगैरह क्वेश्चन और मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट वगैरह आप लोग, इसके अलावा रीजनिंग आप लोग देखें, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग,
वर्बर एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये पूरी इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। जी हाँ, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दी है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट बॉक्स कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जन पर लेकूंगा, सब्सक्राइब को लाइक, बेल आइकन बटन जरूर, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।